माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश के लिए ड्रोन इकोसिस्टम पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई। ये हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 हिंदुस्तान भर में पहला राज्य बना है इस प्रकार की पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश। इसके कारण जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एचपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एचपी स्टार्टअप इनोवेशन स्कीम, नेशनल्स की स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, विद्यार्थियों को और आम जनता को सशक्त करने के लिए जो है वो फ्यूचर में ये ड्रोन पॉलिसी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके कारण जो है वो नए रोज़गार के अवसर ड्रोन पॉलिसी के कारण जो है वो अवेलेबल होंगे। जिस लॉजिस्टिक्स जिससे स्टेट की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको सशक्त करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग में हो, और साथ ही साथ जो है वो डिफरेंट जो हैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में पॉलिसी और मॉनिटरिंग जो है इसकी इसको प्रभावित करते हैं, इस दृष्टि से ये लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाएगी। अतिरिक्त कुछ विषयों पर जो है वो मंत्रिमंडल ने चर्चा भी की है, उन पर जो है वो सकारात्मक जो है वो निर्णय लिया जा सके। चर्चा के उपरांत जो है वो अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि उसके कैबिनेट मेमोरेंडम बना करके लाएं, स्टडी करें, और जिनमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अध्यापकों को UGC पे स्केल देने का मामला भी है। इसी प्रकार से जो है वो JOIT के जो अलग अलग विषय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि में जो है पड़े हैं उस विषय पर भी जो है वो चर्चा की है, और चर्चा के बाद विभाग को उस पर जो है वो चर्चा के अनुरूप कैबिनेट में जो है विषय लाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से जो रेजन फैक्ट्रीज थी उसके कर्मचारी जो पहले सरकार में थे फिर कॉरपोरेशन में आए, उनकी पेंशन से संबंधित जो है विषय था जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का भी विषय था, उस पर भी चर्चा हुई है और अधिकारियों को इस पर जो है वो डिस्कस करके जो है वो डेलीब्रेट करके इंटर डिपार्टमेंटल जो मंजूरियां लेनी है उसको लेकर के जो है वो फॉर्मल तरीके से जो है वो लाने के लिए कहा गया है। ये इनफॉर्मली कुछ विषय जो हैं इस बार मंत्रिमंडल में चर्चा में जो है वो अधिसूचित थे, उस पर भी चर्चा हुई है।